आज हम इस वीडियो में जिस फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में घुटुर कारम जो कि 2024 की, की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेथा वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का, का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई हो होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो कि फ़िल्म के आगे जाके राइट्स सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रिएसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि का है थम्मास का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलोसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थैरी फिल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर हैं तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फ़िल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ़्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म गुंटूर कारम की शुरुआत प्लेग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जयाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडुरम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हाल की फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेथा वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फिल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखी होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर हैं तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ़्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुंटूरक आम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फिल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फिल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमान एस का है थमान एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गैम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म गुंटूरक आम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के ड्रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के ड्रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बितता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फिल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत यह होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडुरम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम का किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो कि फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बितता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भावात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भावात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर डर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो कि फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमान का है थम्ानस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल आप प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म घंटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जोहन गेम चेंजर ओ जी थैलुसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जोहन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल आप प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म गुंटूरक आरम की शुरुआत फ्लैगडिस से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडुरम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता, वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर भी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रिएसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गैम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखी होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म गुंटूरक आरम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हाल की फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फिल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फ़िल्म की कथा और पटकथा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडुरम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो कि फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगे तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखी होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फ़िल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और YouTube पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म घुनटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडुरम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा रागवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ़्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थम्ानस का है का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसा कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक आम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बितता है और वहाँ बड़ा होकर वो मिर्च के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जोहन गेम चेंजर ओ जी थैलोसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जोहन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुंटूरक कारम की शुरुआत फ्लैगडिस से होती है जहाँ पर वीरा के ड्रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के ड्रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेथा वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक आरम की शुरुआत फ्लैगडे से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और पटकथा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन दो सौ करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक सौ करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमान एस का है थमान एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म घुनटूरक आम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के ड्रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के ड्रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और पटकथा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कुंटुर कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर डर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम का किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बितता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हाल की फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फ़िल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हाल की फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेथा वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जोहन गेम चेंजर ओ जी थैलूसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जोहन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखी होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर हैं तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ़्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुंटूरक आम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हाथकसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फिल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अब्बू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में गुंटुरकारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रिएसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमान एस का है थमान एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर हैं तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और YouTube पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुंटूर कारम की शुरुआत प्रैक्टिस से होती है जहाँ पर वीरा के ड्रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के ड्रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फिल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत यह होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसु कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्द ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुनटूरक आरम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नजर आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडू कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में गुंटुरकारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता, वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ़्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो कि फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे हो तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज, रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसा कि आप जानते हो कि जो नेटफ़्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म घंटूरक आरम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बितता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों गुंडूर कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेथा वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एन हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमानस का है थम्ानस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गेम चेंजर ओ जी थैलुसू कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फ़िल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फ़िल्म गुंटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गाँव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सजा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वे किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हाथाशा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और प्रकटा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कुंटुर कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर डर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वैंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा सामेता, वीरा राघवा सन ऑफ सत्य मूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का, का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फिल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गैम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फ़िल्म को देखे होगे तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म गुंटूरक कारम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा वेंकट रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा वेंकट रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हसा करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश अबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और पटकथा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि यासी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देख देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है दोस्तों कारम और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर इस फिल्म को हिंदी में देखना भी चाहते होंगे तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पे है या नहीं ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे अगर आप भी महेश बाबू के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में कारम जो कि 2024 की तेलुगु भाषा की फ़िल्म है जिसके अंदर हमें ड्रामा और एक्शन भरपूर देखने को मिलता है इस फिल्म का रन टाइम लगभग दोस्तों जो था वो दो घंटे और चालीस मिनट के आसपास का था इस फिल्म को डायरेक्ट किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अगर हम इनकी बात करें तो वो एक अच्छे डायरेक्टर डर रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बनाई है जैसे कि अल्लाह वेंकटपुर मुलो अथाड़ू अरविंदा वीरा राघवा सन ऑफ सत्यमूर्ति बिमला नायक जुलाई, जलसा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने अपना कमाल का डायरेक्शन दिया है और कुछ मूवी के अंदर इन्होंने स्क्रीन राइटर का काम किया हुआ है हालांकि हर डायरेक्टर की हर मूवी हमेशा हिट नहीं हो सकती कभी ना कभी कोई मूवी दोस्तों फ्लॉप हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 200 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का कलेक्शन लगभग एक करोड़ का हुआ था यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग फ्लॉप हुई होगी यानी कि इसने अपना बजट भी रिकवर अभी नहीं किया है पर जैसा कि आप जानते हो फ़िल्म के आगे जाके राइट सोल्ड होते हैं और टीवी वाले डबिंग वाले ऐसे लेते हैं तो फिर जो है लगभग अपना वो राइट्स भी रिकवर कर लेते हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो हारिका एंड हसन क्रियसन थे इस फिल्म के अंदर हमें म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है जो कि थमन एस का है थमन एस का म्यूजिक बहुत ही तगड़ा दोस्त रहा है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर हमें इनका म्यूजिक देखने को मिला है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी पहले मिल चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है इसके अंदर आपको क्या ख़ास देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है और थमन एस की कौन सी मूवी आगे आएंगी तो वैसे तो इनकी बेबी जौन गैम चेंजर ओ जी कड़ा इन सब मूवी के अंदर आपको इनका म्यूजिक देखने को मिलेगा बेबी जौन जो कि ऑफिशियल रीमेक है थेरी का अगर आप थेरी फिल्म को देखी होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खैर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है आप देख सकते हैं अगर आप एक्शन लवर है तो इस फिल्म के अंदर जो मुख्य किरदार हैं इसमें महेश बाबू श्री लीला मीनाक्षी चौधरी प्रकाश राज रम्या कृष्णा जया राम जगपति बाबू सुनील राव रमेश ऐसे बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों और सभी ने बहुत ही अच्छा काम इस फिल्म के अंदर किया हुआ है चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या मुख्य स्टोरी है और हमें क्या देखने को मिलता है दरअसल बात करें स्टोरी की तो स्टोरी दो अलग अलग टाइम में चलती हुई हमें नज़र आती है एक तो 2023 का टाइम होता है और एक 1998 का अब ऐसा क्यों है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ेगा फिल्म के अंदर महेश बाबू ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है अगर आप इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी यानी कि दोस्तों ये मूवी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है आप इस कमाल की फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं और यूट्यूब पर अगर आप देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो YouTube पर यह फिल्म अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नेटफ्लिक्स इनकी मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर नहीं मिलती है दोस्तों फिल्म घुनटूरक आरम की शुरुआत फ्लैग से होती है जहाँ पर वीरा के रमन के पिता सत्यम को एक हत्या के आरोप में जाल हो जाती है और उसकी माँ वसुंधरा उसे छोड़कर हैदराबाद आ जाती है वीरा के रमन का बचपन अपने पैतुक गांव में बीतता है और वहाँ बड़ा होकर वो मीरज के कारोबार में शामिल हो जाता है और इधर हैदराबाद आने के बाद वसुंधरा अपने पिता वेंकट स्वामी की सलाह पर राजनीति में प्रवेश करती है और कानून मंत्री बन जाती है सत्यम अपनी सदा काट चुका होता है और जाल से बाहर आने के बाद वह किसी भी किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता है वसुंधरा का परिवार एक समझौते पर वीराबेन के ट्रमन का हस्ताक्षर करना चाहता है जिससे उसकी माँ के साथ सभी संबंध ख़त्म हो जाते हैं और इस कदम का उद्देश्य ये होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा छीनना जिससे वसुंधरा की दूसरी शादी से हुए बेटे को राजनीतिक विरासत में मिल सके हालांकि फ़िल्म के अंदर जो निर्देशक है त्रिविक्रम श्रीनिवास इन्होंने फ़िल्म की कहानी भी लिखी है और फिल्म की यहाँ पर कमज़ोर कथा और पटकटा ने यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ा है माँ बेटे के बीच जो भहात्मक दृश्य होने चाहिए थे वे निखर कर नहीं आए हैं जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में भात्मक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पाया है फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि महेश बाबू को खुश करने के चक्कर में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहानी को पूरा फोकस अपने ही किरदार पर रखा है यहाँ सबसे बड़े निर्देशक की भूल नज़र आती है फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपना असर खोने लगती है साउथ की फिल्मों की खासियत ये होती है कि एक्शन दृश्यों पर खूब मेहनत करते हैं अगर फिल्म की कथा और पटकथा पर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म बेहतरीन बन सकती है यही वजह है दोस्तों कि ऐसी मूवीज़ हिंदी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके अंदर एक्शन काफ़ी तगड़ा होता है कुल मिलाकर अगर ये एक अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं अगर आप एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं खैर ये मूवी दोस्तों मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हो कि आप इसे देखेंगे तो ये आपको अच्छी लगेंगी हर लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो अगर आप थोड़ी हट के देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं